ये कहानी क्लाउड नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है, जिसे अपने ही दोस्त की माँ के साथ प्यार हो जाता है और वो उसके साथ गपागप भी करता है। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है इन द हाउस, और ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जर्मन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक स्कूल में फ्रेंच टीचर होता है। इसके बाद जब जर्मन घर पर स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी वाइफ जेना आती है। फिर जेना भी कुछ स्टूडेंट्स के असाइनमेंट चेक करती है और जर्मन से पूछती है कि तुमने स्टूडेंट को इतने गंदे मार्क्स क्यों दिए। इस पर जर्मन उसे बोलता है कि बच्चों ने कुछ खास तो लिखा ही नहीं है, तो मैं इन्हें अच्छे मार्क्स किस चीज के दूं। तभी जर्मन क्लाउड नाम के एक स्टूडेंट का असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि क्लाउड राफा नाम के एक स्टूडेंट के घर पर काफी दिनों से जाना चाहता था, और फिर एक दिन वो राफा को मैथ पढ़ाने के बहाने उसके घर पर जाता है। वहाँ पर उसकी नजर राफा की माँ एस्थर पर पड़ती है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इसके बाद क्लाउड राफा को एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देकर नीचे आ जाता है। वहाँ वो राफा की मॉम को देखता है जो एक मैगजीन पढ़ रही होती है। अब कुछ देर तक एस्थर को देखने के बाद क्लाउड वापस राफा के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी मैथ बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे रोज आकर तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना होगा। अब ये सब पढ़ने के बाद जर्मन अपनी वाइफ को बोलता है कि इस लड़की की राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है और ये आगे जाकर एक बड़ा राइटर बन सकता है। फिर अगले दिन क्लास के बाद जर्मन क्लाउड से उसके असाइनमेंट के बारे में पूछता है और उसे बोलता है कि अगर राफा को पता चल गया कि तुम उसकी मॉम के बारे में क्या सोचते हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। पर इस पर क्लाउड उसे बोलता है कि ये तो मैंने बस आपको पढ़ाने के लिए लिखा है, और फिर वो जर्मन को पिछले असाइनमेंट के आगे का पार्ट देता है। इसके बाद जर्मन अपनी वाइफ के पास जाकर उसे इस बारे में बताता है और वो दोनों आगे की स्टोरी पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा था कि इस बार जब क्लाउड राफा के घर पर गया तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि क्लाउड की वजह से राफा मैथ्स में काफी अच्छा हो रहा था। फिर जब राफा की मॉम वहाँ से जा रही होती है तो क्लाउड उसे गंदी नजरों से देखने लगता है। अब ये सब पढ़कर जेना को काफी अजीब लग रहा था कि एक बच्चा इतना गंदा कैसे सोच सकता है, पर जर्मन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो क्लाउड की राइटिंग स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। फिर अगले दिन जर्मन स्कूल में क्लाउड की फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे पता चलता है कि क्लाउड की फैमिली 2 साल पहले यहाँ पर शिफ्ट हुई है और वो लोग कई बार अपना घर बदल चुके हैं। अब इससे जर्मन को लगता है कि क्लाउड बहुत परेशान रहता है और उसे एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, इसलिए अब जर्मन ये डिसाइड करता है कि वो क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनाने में उसकी हेल्प करेगा। फिर क्लाउड भी जर्मन को उसके आगे का असाइनमेंट देता है जिसमें लिखा हुआ था कि जब क्लाउड वापस से राफा के घर पर गया तब राफा और उसके डैड मैच देख रहे थे। तभी राफा की मॉम वहां पर आती है और वो क्लाउड के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद राफा के डैड को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो उठकर वहां से चले जाते हैं। अब ये देखकर क्लाउड सोचता है कि अगर ऐसे ही राफा के मॉम और डैड के बीच में दूरियां बढ़ती गई तो वो राफा की मॉम को आसानी से पटा लेगा। अब ये असाइनमेंट जब जर्मन अपनी वाइफ को पढ़ाता है तो अब उसकी वाइफ को भी ये लगने लगता है कि क्लाउड की राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर अगले दिन स्कूल में क्लाउड जर्मन को एक और असाइनमेंट देता है जिसे घर आकर जर्मन अपनी वाइफ के साथ पढ़ने लगता है। उसमें क्लाउड ने लिखा था कि मैंने इस बार राफा को मैथ की एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया और फिर मैं नीचे राफा की मॉम को देखने चला गया। नीचे राफा की मॉम और डैड आपस में बहस कर रहे थे जिसे देखकर क्लाउड को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद जब राफा की मॉम बाहर आती है तो वो क्लाउड को देख लेती है, पर तभी क्लाउड सामने रखी हुई पेंटिंग को देखने का नाटक करने लगता है। पर राफा की मॉम को ये पता चल गया था कि क्लाउड उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो रात को राफा के डैड को बोलती है कि उन्हें राफा के लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढना होगा। अब ये सब बातें क्लाउड भी छुपकर सुन रहा होता है और उसे अब बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि अगर इस बार राफा के मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो वो राफा के घर पे ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ पाएगा। अब बहुत सोचने पर क्लाउड को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन जर्मन को मैथ्स का पेपर चुराने के लिए बोलता है, और साथ ही वो उसे ये भी बोलता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो राइटिंग करना छोड़ देगा। अब ये सुनकर जर्मन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनाना चाहता था, इसलिए वो क्लाउड के बोलने पर मैथ्स के पेपर चुरा लेता है और उन पेपर्स को वो क्लाउड को दे देता है। अब अगले दिन जब टेस्ट होता है तो राफा के उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जिसको देखकर उसके मॉम डैड को बहुत अच्छा लगता है और वो क्लाउड को राफा को ट्यूशन पढ़ाने देते हैं। इसके बाद राफा के डैड क्लाउड को उनके साथ फुटबॉल मैच खेलने के लिए बोलते हैं, पर क्लाउड उन्हें मना कर देता है क्योंकि जब वो दोनों मैच खेलने के लिए बाहर जाएंगे तो घर पर राफा की मॉम अकेली होगी, जिस वजह से वो उनसे अकेले में मिल पाएगा। फिर अगले दिन जब राफा अपने डैड के साथ मैच खेलने के लिए जाता है तो क्लाउड राफा के घर पर आ जाता है। वहाँ पर राफा की मॉम अकेली थी और उनके पूछने पर क्लाउड बताता है कि वो यहाँ पर अपनी मैथ्स की बुक लेने आया है, पर जब उसकी मॉम मैथ्स की बुक को ढूंढने लगती है तो उसे वहाँ पर कोई बुक नहीं मिलती। इसके बाद क्लाउड राफा की मॉम की इयररिंग्स देखकर बोलता है कि ऐसी ही इयररिंग उसकी मॉम के पास भी थी, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये सुनकर राफा की मॉम इमोशनल हो जाती है और फिर वो दोनों कोल्ड ड्रिंक पीकर बातें करने लगते हैं। अब ये स्टोरी सुनकर जर्मन की वाइफ उसे बोलती है कि अगर राफा के डैड को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर इस पर जर्मन उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। रात को फिर जर्मन क्लाउड का एक और असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि इस बार उसे राफा के घर पर बहुत लेट हो गया था
तो राफा के डैड ने उसे यहीं पर ही सोने के लिए कहा। फिर जब राफा क्लाउड को उसका रूम दिखाने के लिए जाता है तो वो क्लाउड को बोलता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और इसके साथ ही वो उसे किस करने लग जाता है। अब इससे हमको पता चलता है कि राफा क्लाउड को लाइक करता है। फिर जब आधी रात हो जाती है तो क्लाउड चुपके से राफा की मॉम के कमरे में जाता है और वो उसे सोते हुए देखता रहता है। अब ये पढ़ने के बाद जर्मन की वाइफ को काफी अजीब लगता है, पर जर्मन उसे बोलता है कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है और क्लाउड की उम्र के बच्चों में ये सब फैंटेसीज होती ही हैं। फिर अगले दिन हम क्लाउड को देखते हैं जो राफा की मॉम के करीब आता जा रहा था। इसके बाद रात को राफा की मॉम और उसके डैड के बीच में झगड़ा होता है और वो झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर राफा के डैड जब गुस्से में वहाँ से बाहर चले जाते हैं तब वहाँ पर क्लाउड आता है और वो क्लाउड की मॉम को एक लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उस लेटर को पढ़कर राफा की मॉम क्लाउड को अपने पास बुलाती है और फिर जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो क्लाउड जर्मन को इमेजिन करने लगता है। इसके बाद राफा की मॉम को वो लेटर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और वो वहीं पर ही क्लाउड को किस करना शुरू कर देती है। अब ये सब राफा खिड़की से छुपकर देख रहा होता है और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपने रूम में आता है और आत्महत्या कर लेता है। और असाइनमेंट के लास्ट में लिखा होता है कि कहानी अभी बाकी है। अब जब जर्मन ये सब पढ़ता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और अब वो ये बात अपनी वाइफ को भी नहीं बता सकता था। फिर अगले दिन जब जर्मन स्कूल जाता है तो वो वहाँ पर राफा के बारे में पूछने लगता है। वहाँ उसे पता चलता है कि राफा आज स्कूल नहीं आया। अब ये जानकर जर्मन काफी परेशान हो जाता है और वो एक टीचर के पास जाकर उसे राफा के घर पर कॉल करने के लिए बोलता है। फिर जब टीचर राफा के घर पर कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि राफा बीमार है, इसीलिए वो आज स्कूल नहीं आया है। अब ये सुनकर जर्मन को थोड़ा अच्छा फील होता है और फिर वो क्लाउड से पूछता है कि आज तुमने असाइनमेंट में झूठ क्यों लिखा। इस पर क्लाउड उसे बताता है कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था। अब जर्मन को भी ये लगने लगा था कि अगर राफा को ये सब पता चल गया तो वो सच में आत्महत्या कर लेगा, इसलिए वो क्लाउड को ये सब लिखना बंद करने को बोलता है। पर क्लाउड उसे मना कर देता है और बोलता है कि अब मैं लिखना बंद नहीं कर सकता। अभी सुनकर जर्मन उसे बोलता है कि ठीक है, पर अब से मैं तुम्हारी कोई स्टोरी नहीं पढ़ूंगा। अभी सुनने के बाद क्लाउड अपनी अगली स्टोरी को वहीं डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। पर तभी जर्मन भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उस स्टोरी को डस्टबिन से निकाल कर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि आज राफा के डैड बहुत उदास घर आए थे क्योंकि अब वो अपनी जॉब से बहुत ज्यादा परेशान है। तभी राफा की मॉम वहाँ पर आती है और उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर राफा के डैड बहुत खुश हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर राफा आता है और उनको बोलता है कि क्लाउड अब हमारे घर नहीं आएगा और आप लोग मेरे लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढो। ये पढ़ने के बाद जर्मन क्लाउड के पास जाता है और उसे बोलता है कि अब तुम्हें राफा के घर जाना बंद कर देना चाहिए। इस पर क्लाउड भी एग्री करता है और वो जर्मन को बोलता है कि अब वो कभी नहीं लिखेगा। फिर क्लाउड जर्मन को आगे की कहानी बताता है कि आज उसकी और राफा की लड़ाई हुई थी क्योंकि उसको मेरे और उसकी मॉम के अफेयर के बारे में पता चल गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउड अपनी कहानी को पूरा करने के लिए राफा की मॉम के पास जाता है, पर राफा की मॉम उसका लिखा हुआ लेटर उसे वापस कर देती है। फिर क्लाउड उसे बोलता है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं, पर राफा की मॉम उसे मना कर देती है क्योंकि क्लाउड उम्र में बहुत छोटा था। अब इससे क्लाउड को बहुत बुरा महसूस होता है और वो रोने लगता है। इसके बाद क्लाउड जर्मन के घर पर आता है जहाँ उसकी वाइफ जीना उसे बताती है कि जर्मन अभी घर पर नहीं है। इस पर क्लाउड उसे बोलता है कि मुझे पता है कि वो घर पर नहीं है, इसीलिए ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद हम जर्मन को देखते हैं जिसे स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि प्रिंसिपल को पता चल गया था कि उसी ने ही पेपर चुराया है। फिर जब जर्मन अपने घर पर आता है तो उसकी वाइफ उसे अगला असाइनमेंट देती है जिससे जर्मन को पता चलता है कि क्लाउड यहाँ पर आया था। उस स्टोरी में लिखा था कि क्लाउड जीना को बताता है कि जर्मन ने उसे एक बार कहा था कि मेरी बीवी बांझ है, इसलिए हमारा बच्चा नहीं हो रहा। अभी सुनकर जीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्लाउड के साथ ही घपाघप करने लगती है। अब ये पढ़कर जर्मन को बहुत गुस्सा आता है और वो जीना के साथ लड़ने लगता है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम जर्मन और क्लाउड को बात करते हुए देखते हैं। जर्मन क्लाउड को बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जिस लड़की की वजह से मेरी जॉब गई और मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मैं उसी लड़के से बात कर रहा हूँ। अब जर्मन की ये बात सुनकर क्लाउड हंसने लगता है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।